जाट कह रहा है मैं जाटा का छोरा है, जिस दिन वो बोल देना मैं सनातनी का छोरा हूँ, सारे एक हो गए। भारत माता की जय। 24 का इलेक्शन हो जाने दीजिए, 180 कंट्री हैं, 90 कंट्री मोदी जी के पांव छूती हुई दिखा दूंगा, 90 कंट्री मोदी जी के पांव छुएंगी। आज मोदी जी का जो रुतबा है जिंदगी में, जवाहरलाल नेहरू से लेकर और इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक, किसी का रुतबा इतना नहीं बड़ा जितना मोदी जी का बड़ा। जय हो जय भगवान। रुक जाओ वंदे मातरम वाले भाई साहब, सच्चाई सुनो। भगवान राम ने कब बोला कि मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ? कब बोला भाई साहब? जब राम सेतु में पत्थर जा रहे थे ना, जब राम सेतु बन रहा था। अच्छा हुआ उस टाइम पे ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी जिन्होंने बांटा है, नहीं तो पता क्या कहते भाई साहब, रुक तो जाओ। नहीं तो पता क्या कहते ये, मैं बता रहा हूँ, ये राम के वंशजों को जो छेड़ रहे हैं, इनके लिए राम कल्पना थी। ये कहते कि मुसलमानों वहाँ पत्थर मत डालो राम सेतु में। अरे जब तो मुसलमान थे भी नहीं राम सेतु में। एक ही धर्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसने सृष्टि की रचना करी है। इन्हें दिक्कत पता क्या है? हमें सऊदी के मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। सऊदी के मुसलमान मोदी को भगवा गमछा पहना रहे हैं, वो कह रहे हैं मंदिर बनाएंगे, मोदी जी राम राम। वहाँ मुरारजी बाबू गए, उनको राम राम बोल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो एक्चुअल में हैं। और ये जो नया नया मौलवी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं ना, ये नए हैं। इनका मकसद क्या मालूम है? बहन बेटी उठाओ, ज़मीनों में कब्जा करो, इनको रोजगार में ग्रस्त करो। आप एक बात बताओ ना, आज आप कहीं भी चले जाओ, जितना मर्जी आप विरोध कर लो इनका, भाई साहब रुक जाओ एक बार, डिस्टर्ब मत करो उनको। जो भी बंदा काम कर रहा है आज क्या कहता है? चारा भाई और भाईचारा। एक साल हो गया हमारे कन्हैया कुमार साहू को मरे, वो गौस मोहम्मद ने तो खुलेआम कहा है। अरे जज साहब, आपके हाथ इतने छोटे हो गए कि उस गौस मोहम्मद के मुजरिमों को आप फांसी भी नहीं दे पा रहे हो, उदयपुर वाले को। एक बार उस पर बोलो ना, मेवात में, मेवात में बोलना। पीछे होगा बात कर थोड़ा। अरे दारू तुमने पी रखी, मैं पीछे होकर बात करूं? भाई ऐसा है, मेवात में बोलना, मेवात में, मेवात में बोलना। सुन तो सही, सुन तो ले। भाई ऐसा है, देखो हमारी बहन बेटियां जो है उनके साथ गलत हुआ, सबके साथ गलत हुआ। मैं हिंदू हूँ, मैं राजपूत हूँ, ठीक है? सुनो मेरी बात, सुनो। नहीं नहीं, न्यूट्रल नहीं, मेरी बात सुनो भाई। अरे बोलने तो दो भाई, सुनो मेरी बात, सुनो यार। देखो जो गलत हुआ अच्छा हो रहा है, जो उनके साथ जैसा जिसने कर्म किया उनके साथ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, होना भी चाहिए उनके साथ। बुलडोजर बाबा यूपी में है तो बुलडोजर हमारे खट्टर, जो सरकार जिसको खटारा बोलते थे, वो आज हकीकत में खट्टर है। नहीं सुनो, वो हकीकत में खट्टर हो गया, वो उन्होंने करा जो करना चाहिए। देखो जिक्की का फल मिलना चाहिए, ठीक है? मैं भी देखो ना, तो समुद्र मंजी निहारा हो है कोई दास तिहारा, जिसने वो शिव का धनुष तोड़ा था वो भी शिव का प्यारा था। और जिस हाँ शिव का प्यारा कौन था? राम भगवान। ना तो समुद्र बंजी नहीं आ रहा हो ये कोई दास तिहारा, जिसने वो शिव धनुष तोड़ा वो शिव का प्यारा था, जिसने वो अपराध किया था वो भी दास तिहारा था, वो भी शिव का ही दास था। तो बोल दो मेवात में चढ़ाई कर दो। नहीं मेवात का, मेवात पर बुलडोजर चढ़ गए भाई, नहीं हमें रेगिस्तान चाहिए वहाँ। सुनो नहीं नहीं यार, ऐसे मेवात में हमें रेगिस्तान चाहिए भाई। हाँ सूखा मैदान बना देंगे इस मेवात को। मणिपुर में क्या हो रहा है उसको बता, सूखा मैदान बना देंगे इस मेवात को। नहीं मणिपुर में क्यों नहीं? मणिपुर के बारे में आप बताओ, मणिपुर में क्या हो रहा है? चलो आप बताओ, पश्चिम बंगाल नहीं पूछा तो क्या हो रहा है बताओ? वहाँ हिंदू, मणिपुर में हिंदू नहीं है क्या? अरे मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? कुकी और मेहता ही समाज है, है ना? कुकी समाज किसके साथ और मेहता समाज किसके साथ, आप बता दो। अरे आप बता दो, आपने मुद्दा छेड़ा हमारे यार, आपको नहीं, आपको पता ही नहीं। मेवात दिख रहा है तो रात दिन ही देखो, मैं बता देता हूँ। 10% वहाँ पर हिंदू है नहीं, तो ये लड़ाई किस बात की हो रही है? मणिपुर एसटी दर्जे को लेकर एसटी 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 दर्जे को लेकर लड़ाई हो रही है। 24 का इलेक्शन हो जाने दीजिए, 180 कंट्री है, 90 कंट्री मोदी जी के पांव छूती हुई दिखा दूंगा, 90 कंट्री मोदी जी के पांव छुएंगे। एक्चुअल में 193 कंट्री हैं और 193 की 193 पांव छूती है मोदी जी के, 193 कंट्री हैं। आज मोदी जी का जो रुतबा है जिंदगी में, जवाहरलाल नेहरू से लेकर और इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक,
किसी का रुतबा इतना नहीं बड़ा जितना मोदी जी का बड़ा। विपक्ष कह रहा है कि नेहरू के सामने मोदी जी का कद बहुत छोटा है, क्योंकि नेहरू जी की विचारधारा और मोदी की विचारधारा में व्यक्तिगत फर्क। नेहरू जी की विचारधारा यह थी देश को अलग करो, देश को बांट दो। मोदी जी पाकिस्तान को भी जीत के ला रहे हैं, पाकिस्तान को भी जीत के ला रहे हैं। कहता है मोदी जैसा चाहिए, जीत लिया ना, अब पीओ के आएगा 24 के पहले पहले पीओ के आएगा। मोदी जी ने जो वादे किए थे सारे पूरे किए हैं। मोदी जी ने जो जो वादे किए थे, मोदी मर्द है, मर्द मर्द। 26 दल तो ये कह रहे हैं कि हम उखाड़ के फेंक देंगे मोदी। अरे 26 जनवरी को केजरीवाल पागल हो गया था। सुनो, क्यों पागल हुआ था? पटेल चौक पे रात को बिस्तर बिछा के लेट गया था, लेट गया था। घरवाली को बुला लिया, मेरा सिर दर्द हो गया, मेरा सिर दबा दे जरा। है सिर क्यों दर्द हुआ? 14 दिन का वो लिया इसने, वो सत्याग्रह किया, भूखा हूँ, मेरे को वो है शुगर है। अंकल जी 26 दल है, केजरीवाल जैसे बड़े नेता है, शरद पवार बड़े नेता, वो कह रहे हम तो उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा 26 दल में मेरे को ये बता दो कि सबसे बड़ा नेता कौन है जो जमीन से मिला हुआ है? राहुल गांधी है, इतना बड़ा नाम है कांग्रेस का, सर्वे सर्वा है। शरद पवार है, एनसीपी प्रमुख है, ममता बनर्जी है। राहुल गांधी क्या है? उसका ब्याह तो हुआ नहीं 53 साल की उम्र में है। वो कहता है झूठे वादे करता है, हर जगह झूठे वादे, झूठे वादे हैं। हाँ, किसानों का ऋण माफ कर देंगे हम, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, करता क्या है? अब बहन को आगे कर दिया, कभी बहन की उंगलियां दबाता है, कभी बहन की चुम्मी लेता है। देखो जरा भी सामाजिक सोशल जरा शर्म नहीं है साथी। अच्छा ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने कि आपको लग रहा है कि वो ही रहेंगे? मोदी जी ने क्या नहीं किया आप बताओ ना, जनता बताओ, आप बताओ क्या नहीं किया, ये बताओ क्या नहीं। अभी अभी तो कल दिए 70,000 नौकरियां, कल सुबह दिए 70,000 नौकरियां, क्या नहीं किया मोदी जी ने? भाई पत्रकार महोदय, अगला खाना खाता अपने घर से, खाना खाता अपनी तनख्वाह से। ये आंकड़ा कहां से? ये श्री केजरीवाल ने दिया है, 4 गुना तनख्वाह बढ़ाई है सारे एमएलए की और अपनी। वो तो कह रहे थे कि हम जो है एमएलए हमारे जो है वो आम नागरिक की तरह जिएंगे ना, वीआईपी कल्चर खत्म करते। एक मैं विधायक की गारंटी देता हूँ, तो बच्चों की कसम, 8-10 विधायकों का तो मैं आपको ये देता हूँ जो कल तक 25 गज के प्लॉट में रहते थे, आज 6-6 मकान है उनके, बुराड़ी वालों के, उसके वो कौन सी है वो जो राखी बिरला 6 मकान, जितने ही खून छलकता है ये 26 आदमी 26 ये सब जेल में जाएंगे, जेल के दरवाजे पे खड़े हैं। वो कह रहे कि विचारधारा जो है वो देश हित की नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो है एक समूह की विचारधारा है जो देश पे थोपी जा रही है। विचारधारा बात सुनो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जितने खड़े हैं सब जानते हैं मोदी जी क्या है, ये सब जानते हैं। मोदी की जय हो, समझा नहीं, मोदी जी के लिए ये सब दुनिया जानती है मोदी जी क्या है। जो आदमी रोटी अपने घर से खाता है, रात को होटलों एयरपोर्ट में सो जाता है, एयरपोर्ट के बाथरूम में सोता है, रात का होटल का किराया बचाता है, 7 रेस कोर्स इतना बड़ा है, एक कमरे में सोते हैं मोदी जी, उन्होंने एक कमरा लिया कोई नहीं लड़ रहा, कोई नहीं लड़ रहा। केजरीवाल तो कह रहा है कि हम जो है दिल्ली को लंदन बना देंगे और ऐसा ही पूरे देश का मॉडल बना दिया। पानी में 380 झीले बना दी उसने, 380 क्या 3880 झीले बन गई, और आज पानी और बड़ा हुआ है, कल सुबह हो सकता है 4-6 जिले और बन जाए। कहता है ना केजरीवाल, वो पूरा करता है, उसने कहा था मैं 246 झीले बनाऊंगा, तो धीरे धीरे झील बन गई, होते होते वो झील के उस पार पाकिस्तान है, तो वहाँ सबको पहुँचा देगा थोड़े दिनों में, तो ये उसका एक वो है, क्योंकि वो जो कहता है वो कर ही देता है। उसने कहा था सिसोदिया को अरेस्ट करवा दिया, फिर कहते हैं इसको अपना सिंदर जान को अरेस्ट नहीं करते, अरेस्ट करवा दिया, अब कहता है राघव चड्ढा को अरेस्ट नहीं करते, अब ये खुद ही होने वाला है, और संजय गांधी को आज 16 अगस्त तक संसद से बाहर भगवा दिया।